हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमसीडी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या है। पहले डिफरेंट होता था, उससे पहले और डिफरेंट होता था, इस साल काफी चेंज हो चुका है। पहले 4 काउंसलिंग होती थी पहले, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। पिछले साल 2 काउंसलिंग हुई, उसके बाद वेरिफिकेशन के जाना पड़ा, और इस साल पहली काउंसलिंग लिस्ट आते ही आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। मैं पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के एंड में, और पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, आपको कैसे कैसे करना है, वो भी पूरा समझा रहा हूँ। ये ईमेल काफी लोगों के पास आ चुका है, बहुत लोग बोल रहे हैं सर समझा दो थोड़ा सा उसको, तो मैं पूरा पूरा क्लियर कर देता हूँ क्या क्या है इसमें और कैसे कैसे आपको करना है पूरा प्रोसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आई मेरे एक ईमेल भेजा है जिन जिन लोगों ने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फिल किया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग एट आई एम, ठीक है। तो धन्यवाद कर दिया उन लोगों ने। ये बोल रहे हैं, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव डेट ऑफ रिलीज इज फिक्स्ड ऑन 30/9/2021। ओके, तो पहला लिस्ट आएगा आपको 30/9/2021, मतलब 30 सितंबर को आने वाला है। हुए डेट फिक्स नहीं है, पर 99% चांस है इसी डेट को आएगा। ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, पर अभी के लिए यही चीज फिक्स करी है इन्होंने। तो जिन जिन बच्चों का, उसके बाद क्या बोला है इन लोगों ने, कैंडिडेट गेटिंग देयर नेम्स इन द फर्स्ट लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रोग्राम फीस थ्रू द प्रोग्राम फीस कंफर्मेशन पोर्टल, द प्रोग्राम फीस इज 25,000 रुपीज, ठीक है। तो जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा, चाहे उनकी थर्ड प्रायोरिटी हो, चाहे सेकेंड हो, सेवेंथ हो, फिफ्थ हो, फोर्थ हो, फर्स्ट हो, उन सबको 25,000 रुपए पे कर देने हैं प्रोग्राम फीस के, ठीक है। जिन जिन बच्चों का नाम आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, किसी भी काउंसलिंग लिस्ट में आता है, उनका काउंसलिंग का जो 10,000 रुपए दिया है वो वापस नहीं होगा, ठीक है। ये बात बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें अच्छे से, जिन्होंने भर दिए काउंसलिंग फीस। आफ्टर पेइंग फॉर द प्रोग्राम, कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट आर टू इमीडिएटली अपियर फॉर द वेरिफिकेशन फ्रॉम 1st of October टू 4th of October 2021 इन पर्सन, ठीक है। फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है जाके कैंपस में, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एडमिशन तो गलत बोल दिया, एडमिशन तो सारा प्रोसीजर कर लोगे इसके बाद होगा, सिलेक्शन जहां पे हुआ है आपका, ठीक है, वहां आपको पहुंच जाना है, ठीक है, समझ गए कि वहां आपको पहुंच जाना है। और ये कैंडिडेट हैज टू कैरी द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब चीज आपको लेके जानी है अपने साथ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ लेके जाने होंगे। तो मैं पढ़ देता हूँ, देखो प्रूफ ऑफ एज मांगा है सबसे पहले, प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका SLC सर्टिफिकेट हो गया, और एक SSLC सर्टिफिकेट होता है 10th की मार्कशीट, इसको साउथ इंडिया में ज्यादा यूज किया जाता है और नॉर्थ इंडिया में हाई स्कूल की मार्कशीट बोलते हैं, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट है सर, क्या बोलते हैं, बर्थ प्रूफ की तरीके से ले आ सकते हो। 12th का मार्कशीट लेके जाना, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट मार्कशीट, ठीक है, तो आपके 12th की मार्कशीट लेके जानी है यहाँ पे। अंडर ग्रेजुएट स्टेटमेंट फॉर द मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर, ठीक है, ये पीजी वाले बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएट के सारे सेमेस्टर के वो लेके जाने हैं आपको, मार्कशीट लेके जानी है, और नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है हर सेमेस्टर का, कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC NCL और EWS कैटेगरी का, ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल EWS से करते हैं, तो आपको इन सब चीजों का वो लेके जाना होगा, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद प्रिंटेड कॉपी ऑफ IMU रैंक सर्टिफिकेट, अगर आपको नहीं मिला है रैंक सर्टिफिकेट तो भैया उसको फटाफट जाके डाउनलोड कर लो, रैंक सर्टिफिकेट को नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो वहां से डाउनलोड कर लो अपना रैंक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो रैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड करो अपना और उसको लेके जाना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर आपको जैसे ही आपका क्या बोलते हैं पेमेंट हो जाएगा तो एक बड़ा सा अलॉटमेंट लेटर निकल के आएगा, वो लेके जाना है आपको, ठीक है। 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 नहीं कहूंगा मैं तो 5 लेके जाइएगा, ठीक है, और प्रिंट ऑफ सिंगल उसका लेके मत जाना सर्टिफिकेट, रैंक सर्टिफिकेट का 2 कम से कम प्रिंट लेके जाना, प्रोविजनल लेटर के भी 2 प्रिंट लेके जाना, और जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसके भी 2 ही प्रिंट लेके जाना, मिनिमम 2 लेके जाना,
और 10th की मार्कशीट के दो प्रिंट, 12th की मार्कशीट के दो प्रिंट, जो भी चीज लेके जा रहे हो कम से कम दो फोटो स्टेट लेके जाना, उसके साथ जेरोक्स बोलते हो, फोटो स्टेट बोलते हो, कॉपी बोलते हो, जो बोलते हो आप अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, पर ये आपको दो ही लेके जाने हैं, उससे कम लेके जाओगे। मैंने सुना है फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, एक गुम हो गया, खराब हो गया, गंदा प्रिंट हो गया, समझ रहे हो ना, मतलब होती है दिक्कतें होती है वहां पे। और फिर इसके बाद क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट फॉर द सेमेस्टर फीस टेबल वन में जो दी हुई है, ठीक है, और 20,000 का ड्राफ्ट कॉशन मनी होती है कि मैंने कॉलेज में वाइपर तोड़ दिया, मैंने खिड़की तोड़ दी, मैंने कॉलेज का सामान तोड़ दिया, मैंने लाइब्रेरी से सामान दिया था, उस टाइप का कॉशन मनी होता है कि आप कोई बेवकूफ़ी करेंगे कॉलेज में, आप कुछ कॉलेज से नुकसान करेंगे यहाँ पे, तो उस पैसे से आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। और कॉशन मनी बोलते हैं कि कॉलेज के बाद वापस कर दी जाती है, देखते हैं मुझे नहीं पता कितना सच है बात, ज़्यादा तो यूज ही आती है, तुम कुछ ना कुछ कर ही देते हो कॉलेज में, बहुत जल्दी कॉलेज में फाइन लगता है भाई, ये बात जान लीजिए आप, कॉलेज में बहुत जल्दी फाइन लगता है आपको, तो इतना तो समझ जाइए, ठीक है। तो 20,000 रुपये कॉशन मनी दे रहे हैं आपको, और ये करना है डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में बनाना है फॉर द कॉशन डिपॉजिट इन द फेवर ऑफ इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, पेबल एट द कैंपस इन विच द वेरिफिकेशन इज डन, ठीक है, उस कैंपस में आपको एक पैसा देना है जहां पे आप अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई कैंपस, अगर आप चेन्नई में करा रहे हैं, कोलकाता कैंपस, कोलकाता कैंपस में, मुंबई कैंपस, मुंबई कैंपस में करा रहे हैं, ठीक है, जहां भी करवा रहे हैं आप लोग, वहीं पे आपको उसकी उसी कॉलेज के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बना के उनको थमाना है कि लो भाई लो, ये आपका कॉशन मनी हो गया, और उसी के साथ साथ आपको फीस भी जमा करनी है कॉलेज की, ठीक है, कॉलेज की फीस भी वहीं पर आपको जमा करनी है 1,00,000 रुपये, मतलब ज़्यादातर प्रोग्राम देख रहे हो सबका 1,00,000 रुपये पहला सेमेस्टर का फीस, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है, इतनी चीजें आपको लेके जानी होंगी वहां पे। और देखो अभी डॉक्यूमेंट खत्म नहीं हुए हैं, अभी आगे बाकी हैं, देखो एमटेक स्टूडेंट का फीस भी दे दिया, सिंस द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द सबमिशन ऑफ द फीस इज इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द कंफर्मेशन पोर्टल द फॉलोइंग प्रिपरेशन मे बी हैंडी, ट्रेवल प्लान टू द नियरेस्ट आईएमयू कैंपस मे बी डन anticipating the name in the first list, okay, only candidate who gets selected in the first list and who confirm the payment are to appear in the वो certificate, ठीक है, तो इन लोग बोल रहे हैं कि जब देखो वो कितना दोगला लाइन लिखा है इसमें, लिखा हुआ है भाई कि तुम predict भी कर सकते हो कि मेरा आएगा नहीं आएगा, और जिनका आएगा सिर्फ वही आना, और सब अपना करा लो ट्रैवलिंग प्लान प्लान, भैया इनको ये नहीं पता कि खर्चा भी होता है, पर भाई देखो सरकार है कुछ भी कर सकती है, ठीक है, आपका खर्चा होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, आपका इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में एक साल का खर्चा जो पहला साल होता है लगभग 3,00,000 चला जाएगा, ये जितने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट बनाने हैं आपको, आने जाने का जो खर्चा होगा, जो नौटंकी होगी आईएमयू कैंपस में एडमिशन में या किसी भी कॉलेज के एडमिशन में, भाई जो नौटंकी होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है आप समझ नहीं सकते, आपका 1,00,000 रुपया सिर्फ एडमिशन कराने कराने में खर्चा होता है फीस से अलग, ठीक है, 1,00,000 रुपये आपके छप जाएंगे, मानो ना मानो लगभग इसके आसपास खर्चा आ ही जाएगा आपको, 20,000 रुपये आप उसके दो, कॉशन मनी दो 10,000, सीट कन्फर्मेशन दो 30,000, ये हो गए 25,000 आपका एडमिशन फीस हो गया, लो कितना हो गया भाई 55,000-56,000 हो गया, आप कॉलेज आए गए इतने दूर दूर आए कैंपस हैं, ज़्यादातर बच्चे नहीं रहते कैंपस के बाद, मेरे घर से तो आने आने का खर्चा एक बार का 10,000 रुपये, आया गया 10,000 रुपये ख़त्म, मतलब सबसे ख़राब क्वालिटी से आऊँगा जाऊँगा तब, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत अच्छा जा रहे हो उसमें तो बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा, ठीक है भाई 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे तुम्हारे, ऐसे ही बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है, ठीक है, तो आप पूरा एडमिशन ले रहे हो तो पैसे इकट्ठा करना, पैसा जोड़ना चालू कर दो, स्विगी भी किसी से ऑर्डर करते हो ना, बंद करो भाई कुछ दिन के लिए खाना पीना बाहर का, घर का खाओ, बाहर मत घूमो, पार्टी वार्टी मत करने का सोचो भाई, आई एम सेलेक्ट होकर बहुत खर्चा है अभी आगे, ठीक है, बाकी रही सो तो कर लो, पर मैं सजेशन ही करूँगा कि बहुत खर्चा होने वाला है, पैसे बचाइए फालतू में, रिजल्ट मत करिए, ठीक है, इन्जॉय करिए, सेलेक्ट हो गए बधाई हो आपको सबको, परंतु पैसा इधर उधर ज़्यादा खर्च ना करें क्योंकि बहुत खर्चा आने वाला है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में अभी आपका, क्योंकि ये लोग फीस आपसे पूरी ले रहे हैं, समझ रहे हो, फीस आपका हॉस्टल का भी जा रहा है, मेस का भी जा रहा है, लॉन्ड्री का भी जा रहा है, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे उसका भी खर्चा जा रहा है, और ऊपर से आप घर पर रहोगे तो घर पर रहोगे ना, खर्चा तो वही भी रहेगा, घर पर भी खाओगे पियोगे कुछ ना कुछ करोगे, तो बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे तो आप अपना पैसा थोड़ा बचाइए, ठीक है,
चलो ठीक है भाई, तो इनको भाई पहुंच जाना कॉलेज जो भी हम आप लोग हैं यहाँ पे। और इसके बाद द मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ डीजीएस डायरेक्टर जनरल शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर मे बी डन एंड द फिटनेस सर्टिफिकेट मे बी टेकन फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन द चॉइस फॉर डीजीएस अप्रूव्ड प्रोग्राम बीटेक मराई इंजीनियरिंग बीएससी नॉटिकल साइंस डीएनएस। ठीक है, लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड डॉक्टर इज गिवन इन द लिंक। ठीक है, ये जो लिंक दिया हुआ है आपका, इसमें आपके अप्रूव्ड डॉक्टर हैं, इस पर क्लिक करोगे, जिन जिनको मेल आया है भाई काउंसलिंग का, आपको डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां आज ही चले जाइए मैं तो कहूंगा, अगर आपने मन बना लिया है ना मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का और ये प्रोग्राम करने का, तो आज ही चले जाइए और अपना बनवा लीजिए सर्टिफिकेट इस चीज का। ठीक है, क्योंकि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में एक दिन पूरा खराब होगा, उस दिन आपकी तबीयत भी थोड़ा कम ज्यादा रहेगी, खाली पेट पहुंच बुला लेंगे आपको, खून वून भी निकाल लेंगे आपकी बॉडी से, ड्रामा बहुत होता है, पूरा दिन चला जाएगा उसमें आप खाली पेट, मतलब। और ज्यादातर लोग इतने अच्छी जगह नहीं पैदा हुए होते कि उनके घर के बगल में ही डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर रहता हो, ज्यादातर लोग ट्रेवल करेंगे ही करेंगे, 4 से 5 किलोमीटर, सॉरी 4 से 5 घंटे का रास्ता, किलोमीटर तो घर के बगल वाली बात हो गई, 4-5 घंटे का रास्ता करेंगे। मैं खुद देहरादून गया था मेरठ से, तो 4 घंटे लग गए थे मेरे को जाने में, खाली पेट सुबह सुबह निकले थे 6 बजे। ठीक है, तो बहुत बवाल होता है, तो आज ही बनवा लो उसको। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करनी है, आपका मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, आप चेक कर लीजिए आप मेडिकली फिट हैं भी या नहीं, पता लगा गया प्रोसीजर का पैसा दिया जा रहे हो, रिफंडेबल 1 भी रुपया नहीं है, और आप पता लगा मेडिकल अनफिट, रिफंड 1 भी नहीं होगा, आपका कैंपस में नाम आ गया, जो जो पैसा आप देते जाओगे 1 भी रुपया आपका रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, बात को समझ लीजिए आप अच्छे से, रिफंड उसी केस में होगा आपका किसी लिस्ट में नाम ही नहीं आया, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो उसमें आपकी ही गलती है, तो बात समझिएगा। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स मे बी अरेंज द 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट कैंडिडेट्स, मेक श्योर द कास्ट सर्टिफिकेट अलाउड। अच्छा डेट देखो, कास्ट सर्टिफिकेट का भी डेट मांगा हुआ है, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का डेट है 1/8/2020। ठीक है, 1 अगस्त 2020, मतलब पिछले साल 1 अगस्त 2020 के बाद वो सर्टिफिकेट बना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है इतना वो नया, तो उसको रिन्यू करवा लो भाई, देखो बहुत टाइम कम बचा है, पर 1-2 दिन में भी रिन्यू आता है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, पर मैंने सुना है कि 1-2 दिन में भी रिन्यू हो जाती है चीज़ें। मैं तो बोलूँगा आज ही, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो उठ के जाओ और अपना रिन्यू करवाने लग जाओ। ठीक है, SC ST आपका 5 साल का अलाउड है। ठीक है, अगर आप SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो 5 साल पुराना आपका चलेगा। ठीक है, 1/8/2016 तक का। ठीक है सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी सेम एज एन 10th सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी एनसीएल या AWS या जनरल SC ST जो भी हो गए आपके, उसमें जो आपका नाम है और 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, राजा ठाकुर और सचिन शर्मा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको राजा T नहीं लिख सकते और सचिन S नहीं लिख सकते, या सचिन और राजा नहीं लिख सकते। ठीक है, राजा शर्मा वहां लिखा है तो राजा शर्मा यहाँ आएगा, प्रज्वल वर्मा वहां लिखा है तो प्रज्वल वर्मा यहाँ आएगा, सेम सेम होना चाहिए नाम। ठीक है, अगर आपका में नहीं है तो भाई उसे सही करवाने की कोशिश करो, वरना जितना मेरे को आइडिया है, अगर आप कैंपस जाते हो तो आपको कुछ लेटर वेटर लिखना पड़ता है कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, कि अगर मेरा 15 दिन में कुछ इस टाइप से होता है कि 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट बना के देना होता है, वरना जितनी फीस आपने आई में जमा करी वो सब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, वो वापस नहीं होगी, वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, तो हो जाता है, मतलब 15 दिन मिलेगा आपको, दे देते हैं ज्यादातर कैंपस, कोलकाता कैंपस में मिलता था उतना टाइम। ठीक है, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा अभी बनवा लो अच्छा रहेगा, वरना कॉलेज जा चुके होगे, कॉलेज से आना भी होगा, 10,000 रुपये खर्च हो गया, उसके बाद वो आपको प्रेशर एक अलग से क्रिएट हो जाएगा कि 1 लाख रुपया फंस गया, 1 लाख नहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपया फंस गया है आपका, तो वहां पे आप और पैसा फालतू में खर्च कर रहे होंगे सर्टिफिकेट्स पर। ठीक है, तो अभी बनवा लो ठंडे दिमाग से, जल्दी बन जाएगा, रिन्यू करवा लो, नाम से करा लो, जो भी कराना है आपको जल्दी कराओ, थोड़ा डिमांड ड्राफ्ट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बता ही दिया मैंने कि डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है आपको, और इसके बाद कैंडिडेट आर टू एंश्योर द सेम एजुकेशन बोर्ड। अच्छा हाँ, देखो आपका जो एजुकेशन बोर्ड जो चूज किए थे आप, कहाँ
काउंसलिंग का फॉर्म भरते वक्त और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त MUCET का, वो सेम होना चाहिए उसके साथ जो आप सर्टिफिकेट वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर टू एंश्योर दैट दे हैव द सेम एजुकेशन बोर्ड सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एज मेंशन्ड इन देयर सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स फाउंड फॉर द डिफरेंट बोर्ड्स अदर देन क्लेम्ड में बी रिजेक्टेड। ओके, तो अगर आपका जो क्लेम किया है आपने उस अलग लेके जाओगे आपको फेल किया कर दिया जाएगा, आपको पैसा भी ले लेंगे आपको और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं लेंगे, 1,00,000 रुपये नहीं जाएगा आपका, और आपका सीट कंफर्मेशन और 10,000 रुपये काउंसलिंग का दोनों बर्बाद हो जाएगा, 35,000 रुपये आपके डूब जाएंगे यहाँ पे। आपको लग रहा है बहुत निगेटिव बात कर रहा हूँ, मैं तो निगेटिव नहीं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत खर्चा होता है एडमिशन में, तो जो भी है ना यार समझ के करिए चीज़ों को और अपने जूनियर्स को सलाह यही दीजिएगा, जो जो आपके साथ दिक्कत है आप प्लीज़ उनको अपने जूनियर्स को बता देना कि उनको सेम प्रॉब्लम फेस ना करें, क्योंकि हमारे बैच में बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी और बहुत फालतू के पैसे बच्चों के खर्च हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों का नहीं चाहता हूँ फालतू का कुछ खर्चा हो। इस साल तो उन्होंने और ड्रामा कर रखा है भाई, मतलब फर्स्ट लिस्ट के बाद बुला लिया है, चलो देखो क्या होता है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पासपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन इन केस ऑफ DGS अप्रूव्ड। तो पासपोर्ट लेके आना है आपको भाई, अगर आप BTEC कर रहे हो, BSc कर रहे हो, DNS कर रहे हो, मैंडेटरी है, ठीक है। इन केस पासपोर्ट इज नॉट हेल्ड, अ तत्काल एप्लीकेशन शुड हैव बीन फाइल्ड एंड द रिसिप्ट ऑफ द तत्काल एप्लीकेशन शुड बी कैरीड फॉर वेरिफिकेशन। इन द एब्सेंस ऑफ पासपोर्ट तत्काल एप्लीकेशन द कैंडिडेट मे गेट रिजेक्टेड, ठीक है। मे लिखा हुआ है, डेफिनेट नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो आप अगर आपके पास पासपोर्ट है भैया पासपोर्ट लेके चले जाना कॉलेज में, और दूसरा चीज़ है नहीं है पासपोर्ट आपके पास तो तत्काल में उसे एप्लीकेशन डाल दो अपना जाके, और उस तत्काल का अपना क्या बोलते हैं रिसिप्ट लेके पहुंच जाना, तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। और जो हमारे टाइम में होता था या पिछले साल हुआ है, अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो कॉलेज आपको 15 दिन का टाइम देता है, पर वही एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जो पैसा बर्बाद होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, तो उसका स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा चांस मत लो, अभी जाके तत्काल में देखो, 3-4 थोड़ा 2-3 दिन बहुत हैक्टिक रहेगा। मैं तो आज देख रहा हूँ ना वीडियो, आज का दिन ही पूरा हैक्टिक बना लो भाई, जो जो काम है अपने जाके बिल्कुल लग जाओ उसके पीछे, पेरेंट्स को लगा दो, भाई बहन को लगा दो और खुद भी लग जाओ, ठीक है। एक सर्टिफिकेट कंप्लीट करो अपना, ठीक है। तो द कैंडिडेट कैन अपियर एट द नियरेस्ट कैंपस, इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू अप्रोच द कैंपस फॉर द वेरिफिकेशन विच इज अलॉटेड। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा समझना इसको, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन अपियर टू, देखो कैंडिडेट अपियर कर सकता है जो कैंपस तुम्हारे घर के पास, मान लेते हैं तुम रहते हो नागपुर में, मुंबई कैंपस तुम्हारे पास है, तुमको मिला है चेन्नई, उसमें लिखा है कि आप मुंबई कैंपस भी जा सकते हैं, ठीक है, पर वेरिफिकेशन के लिए आपको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप चेन्नई ही जाएं, ठीक है। मैं भी कहूँगा यार जहाँ पे आपको मिला है आप वहीं जाएं अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए, किसी और अन्य कैंपस में ना जाएं, पर ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे कैंपस में जा सकते हैं, बिल्कुल लीगल लिखा हुआ है। दो तक कैंडिडेट कैन अपीयर इन द नियरेस्ट कैंपस, इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू अप्रोच द कैंपस फॉर वेरिफिकेशन विच इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट। ओके, the candidate is free to approach the campus the moment he takes the payment and get the confirmation letter, ठीक है। तुम कैंपस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री टू अप्रोच कैंपस, कभी भी अप्रोच कर सकते हो, जैसे ही आप पेमेंट कर दो और कन्फर्मेशन लेटर आपके हाथ में हो, ठीक है। यार मैं इसमें वो नहीं दिख रहा है, बहुत सारे पहले कोर्ट में पेपर बनवाने पड़ते थे, वो सब ये पता नहीं इसको कब करवाएंगे इस बार, जैसे मैंने वीडियो में बताया था पिछले साल, देखो क्या पता वो रिमूव कर दिया उन लोगों ने, इस बार बनवाएंगे क्या पता बाद में बनवाए, ठीक है। जब कॉलेज तुम जा रहे हो तब बनवा के देखो, वो होते हैं तुम्हारे एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं कोर्ट्स, उसको 100 रुपये का बनता है एफिडेविट, 50 रुपये का बनता है, ठीक है। ओके, एनी रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंडिंग और चेंजिंग द वेरिफिकेशन शेड्यूल विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है भाई। अगर आपको एक्सटेंड करना है और चेंज करना है वेरिफिकेशन शेड्यूल को, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। काइंडली नोट 2/10/2021 को छुट्टी है, गांधी जयंती है भाई, समझ रहे हो,
तो 2 तारीख को आप अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। आपके पास सिर्फ 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर है वेरिफिकेशन कराने के लिए। वेरिफिकेशन 10:30 से 17:30 के बीच में होगा, मतलब सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ही होगा। कैंडिडेट्स आर टू इन्फॉर्म देयर ट्रेवल प्लान टू द ईमेल आईडी दिस, ठीक है, नोरप्ले करके जो लिखा हुआ है, norbply4@imu.ac.in पे आप अपना ट्रैवलिंग का उनको डिटेल दे देना कि मेरा टिकट यहाँ से यहाँ तक है, मैं इस दिन यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इतना मेरा खर्चा हो रहा है, पैसा वापस नहीं मिलेगा, फिर भी उसको सबको दिखा के भेज देना उनको कि और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा इस दिन में, ठीक है, फोटो वोटो लगा के भेज देना और उसका फॉर्मेट ये रहा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में देना है। तो लिखा है इज गिवन फॉर्मेट ओनली सैम्पल, फॉर्मेट सैम्पल है आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने किस कॉलेज में आपको मिला है, समझ रहे हो, बीटेक आप कहाँ से कर रहे हो, बीएससी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वेरिफिकेशन कैंपस सेलेक्टेड, ठीक है, कौन से कैंपस आपको वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखो जैसे पिछले वाले में लाइन लिखी हुई थी ना, ये ध्यान देना, कैंडिडेट ऑफ क्या लिखा था, दो द कैंडिडेट कैन अपीयर इन द नियरेस्ट कैंपस, इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू अप्रोच द कैंपस फॉर वेरिफिकेशन विच इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप वो कैंपस चूज कर रहे हैं जहाँ आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए कि हमारे घर के पास से चले जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसी का नाम लिखना है यहाँ पे। अगर आप दूर वाले का चूज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस वाले का फॉर्म आप, उस वाले का नाम आप ऊपर वाले में भरना, ठीक है। वेरिफिकेशन डेट भी लिख के भेजना है वहाँ पे कि इस दिन में अपना वेरिफिकेशन करा लूंगा। मेल सेंड टू एनी अदर ईमेल आईडी अदर देन द अबव विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। किसी भी, अगर आप किसी भी ईमेल आईडी को भेज रहे हैं अपना ये पूरा मेल इस बारे में कब कहाँ जा रहे हो आप, तो वो समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं ये लोग, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। शायद मुझे लगता है इसमें वो भी नहीं भेजना पड़ेगा आपको, क्या बोलते हैं, अपना फोटो वोटो नहीं भेजना पड़ेगा, सिर्फ ये लोग कैंपस का नाम जानना चाह रहे हैं और आपसे डेट लेंगे, ठीक है। तो आपको पैसे वैसे नहीं बताने, डेट वेट नहीं बतानी उनको, इससे मतलब ही नहीं है तुम कैसे आ रहे हो, चाहे एनीवेयर डोर से आओ डोरेमोन के, चाहे पैदल आओ चाहे उड़ के आओ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कौन से कैंपस आ रहे हो और किस दिन आ रहे हो, ठीक है। और ईमेल यही यूज़ करना भाई लोगों को, देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं बच्चों को, यही वाला ईमेल यूज़ करना। और फॉर क्वेरीज इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन मिलाओ और फटाफट पूछो कि कुछ कुछ आपको जो डाउट्स हैं, ठीक है। रिगार्ड्स IMU इंडिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब, ठीक है। अगर आप ईमेल पर देख रहे हो अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भाई, देखो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स IMU ईमेल पर भेजता है, बात याद रखना। आप चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में, तो चलो उनकी बात करते हैं उन बच्चों की। मान लेते हैं आप, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7-8 अपनी वो ले ली है प्रायोरिटीज, ठीक है, आपको मिल गया 3rd प्रायोरिटी, किसी बंदे को मिल गया 6th प्रायोरिटी, तो जैसे ही, तो क्या करना है, जैसे ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी आपको 25,000 रुपये पे कर देने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज मिला है वहीं पहुंच जाना आप, ठीक है, 6th मिला है तो भी आपको 25,000 रुपये पे करने हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कॉलेज पहुंच जाना, ठीक है, समझो मेरी बात को, नहीं पहुंचोगे बहुत दिक्कत होगी आपको, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप कॉलेज पहुंचोगे ना, वहां पे अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, फिर आपका, मान लेते हैं आपका 3rd प्रायोरिटी से 2nd प्रायोरिटी हो गया और 6th प्रायोरिटी वाले का 4th प्रायोरिटी हो गया, ठीक है, 2nd लिस्ट में, तो वो अपने आप ही चेंज कर देते हैं तुम्हारा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। मुझे लगता है थोड़ा एक लेटर वेटर लिखवाते हैं, बाकी सा तो कुछ नहीं होता, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसफर नहीं करना, पैसा किसी और को नहीं देना, वो खुद अपने आप आपस में कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। हमेशा पहले ऐसे होता है, बाकी जो उन लोगों ने फ़ोन नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप इसको यूज़ करना ना भूलें, ठीक है, इसको पक्का यूज़ कर लें इसके रिगार्ड्स में, ठीक है, तो मतलब भूलिएगा नहीं उस चीज़ को, ज़रूरी है वो। परंतु आपको जैसे ही आपका नाम आएगा लिस्ट में आपको चूज़ कर लेना है, बाद में आपका फाइनल लिस्ट में 1 में हो गया तो आपको 1 में भेज देंगे, ठीक है,
समझ गए आप, अपग्रेड हो गए आप, फर्स्ट में पहुंच गए, फर्स्ट में पहुंच गए, तो उसका इशू नहीं है। परंतु जितनी भी चीज़ें वो मांगे आप दे दीजिए उनको, ठीक है, और आपका अपग्रेड होता रहेगा अपने आप, उसमें इशू नहीं है। पहले ये चीज़ अलग तरीके से होती थी, पहले सिर्फ 25,000 रुपये लगते थे और 1,00,000 रुपये वहीं देने होते थे जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, पर यह इस साल से मुझे लगता है ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है, अपग्रेडेशन वगैरह में चीज़ें इस बार चेंज हो गई हैं, ठीक है। फिर भी जो नंबर दिया हुआ है उन लोगों ने, उसको यूज़ करना ना भूलें आप लोग, ठीक है, ये नंबर यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, इस पर जाइए अपना बात करिए। और यही प्रोसेस होता है ज़्यादातर कि आप वहीं पे जिस कॉलेज में आपको पहली बार में मिल गया वहाँ पैसे वैसे देने होते हैं, फिर बाद में जब आपको फाइनली मिलता है वहीं पे आप अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-15 दिन आपकी क्लासेस भी चल गई दूसरे कैंपस में, आप बाद में आ रहे हो अपने कैंपस में, ठीक है, तो उसका भी ज़्यादा इशू नहीं है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बाकी लोगों के साथ यार वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो भी बच्चे काउंसलिंग वाउंसलिंग का प्रशिक्षण कर रहे हैं भाई, अपना करवा रहे हैं, सबको वीडियो शेयर कर दो भाई कि हाँ काउंसलिंग में क्या क्या होने वाला है, यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट ने समझा दिया है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो पक्का शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम सिटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।